दादा खचर ना एक पण दाणो आव्यो नी घर में। महाराज ने संतो ने कायमी दादा ने दरबार में रहीए हरिभक्तों महाराज एटले केटला बधा हरिभक्तों दर्शन आवता होय ए बधाने जमाड़वाना बधो खर्चो तो थाय। जमाड़वू शुं पण दादा खाचर उच्छीना दाणा लावे अने जमाड़े बधाने। एम एक दिवस भगवान तो अंतर्यामी बधु जाने। एक दिवस महाराजे लाधा ठक्कर ने बोलाव्या। लाधा ठक्कर ने हरजी ठक्कर दादा काचरना हिसाब लगता। ये जमाना में कारभारी कहवाता। कारभारी कारभारी ने मेहताजी में फरक। मेहताजी ने बीजी खबर न होय चोपड़ा लखी दिए। ये आपी पासे लखे एटले आने तो कारभारी एटले बधुज करवानुं होय। हाँ कारभार बधुज संभाळता होय खाली हिसाब ज नहीं। अने लाधा ठाकर अने हरजी ठाकर एवा वफादारी हता। एवा वफादार अने निष्ठावाळा। हाँ दादा खाचरनुं छे पोतानुं ज मानीने करता था। बगड़वा न दिए। महाराज एना पर बहु राजी। ते महाराजे लाधा ठाकरने बोलाव्या। चोपड़ा लावो तो अमारे जोवा छे। लाधा ठाकर चोपड़ा ना आपे। महाराज बैठा था। सभा थी गोपालानंद स्वामी मुक्तानंद स्वामी वगैरह संतो बैठा था। महाराजे पूछो लाधा ठाकर हिसाब देखाड़ो तो। आ महाराज दादो तो दादो छे हो। महाराज दादा खाचरनी शू बात करवी। दादा खाचरनी तो बात शू करवी। महाराज ये तो बहु दयालु बहु कृपाळु। अरे एटला बधा संतो ने तमने राखे कोई दी शू फेर पड़वा दिए नहीं। महाराज कैसे लाए अमे हिसाब मांगीए छे। तू दादा ने वखाण क्या करवा मांड्यो। महाराज दादा तो बहुत। गोपालानंद स्वामी कहे लाधा ठकर मारा चोपड़े हिसाब मांगे छे। हिसाब आपने। हाँ स्वामी हूँ एज कहू छू कि दादा खाचर कोई दिवस तमने तकलीफ पड़वा दी थी। संतो आवे हरिभक्तो आवे कोई दिवस ना ज नहीं। पछी गोपालानंद स्वामी मुक्तानंद स्वामी पासे लाधा खाचर पासे चोपड़ा जटवी लीधा। त्यारे लाधा खाचर ऊभा ऊभा रड़वा मींड्या। त्यारे संतोने एम थयुं आमां कंईक रहस्य छे। पूछ्युं लाधा ठाकरने केम रड़ो छो। त्यारे लाधा ठाकर के हूँ चोपड़ा एटला माटे नहोतो आपतो के तमे चोपड़ा जोशो एटले खबर पड़ी जशे के दादा खाचरने त्यारे अनाज घरमां नथी बार थी मगावे छे ने दादा खाचरनी पोल खोली थई जशे। हूँ ढांकवानी कोशिश करतो हतो। महाराज अत्यारे दादा खाचर उछीना दाणा लावीने आ बधानुं पोषण करे छे ने तमने जमाड़े छे। हाँ महाराज की एवं है संतो तो एक काम करो। हवे दादा खाचर ने आपणे घसारो आपवो नथी। तमे अत्यारे संतो जाओ गामड़ा फरो। संतो के हारू महाराज एटलो बधो अमने खबर नहीं। एटले दादा खाचर ने आपतकाल आव्यो छे महाराज। संतो के अमे जईए छीए। पछी गोपालानंद स्वामी मुक्तानंद स्वामी ब्रह्मानंद स्वामी कहे छे के महाराज तमे अहीं आशो तो हरिभक्त आवशे तो पाछो एनो ए दादा खाचर ने रहेशे। माटे थोड़ा दिवस तमे पण बहार जाओ। महाराज के बराबर छे हुंय पण बहार जाऊं। एटले महाराज बहार जवा तैयार थया ने आ समाचार दादा खाचर ने मेळ्यो। दादा खाचर दौड़ता आव्या महाराजनी पासे। आवीने महाराजनी पासे चरण पकड़ीने रड़वा ज मींड्या। महाराज के दादा तारे आपतकाल आव्यो छे ने एटले अमे बधा जईए छीए ने वधारे हवे खर्चो तने करावो नथी। महाराज के दादा खाचर कहे छे महाराज बहु भयंकर आपतकाल आव्यो छे। हवे तमे रक्षा करशो तो ज थशे। महाराज के एटले तो अमे जईए छीए। महाराज ए नहीं तो तमे ने संतो जाओ छो ई मारे मन आपतकाल छे। हाँ महाराज तो दादा खाचर ने समझण एनी धीरज जोई राजी थी गया। महाराज तमे आहीथी जाशो ने एटले अमे वधु दुखिया थशो। અમારા દુઃખના ભાગીદાર છો તમે. ત્યારે મહારાજ મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે, સ્વામી મારે નથી જવું અને તમારે નથી જવું. મુક્તાનંદ સ્વામી કહે છે, મહારાજ પણ હવે અત્યારે દાદા ખચરને ઘરમાં અનાજ નથી, દાણા નથી, શું કરશું? પછી મહારાજ એક વાત કરે છે અને સાખી બોલે છે, દાહ જલે ડુંગર જલે, દાહ જલે ડુંગર જલે, જલ સબ વનરાય, हम जले तुम कां जलो, हमारे पाखनाई. महाराजा साखी बोला. साखी बोली पछी महाराजा नो अर्थ समझावे छे मुक्तानंद स्वामी ने. स्वामी एक जंगल हतुं, जंगल में मोटो एक वड हतो, ए वडनी अंदर घणा बधा पक्षीओ माळा बांधीने रहता हता. एमां एक दिवस जंगल सळग्युं, पंखीओ माळामां बेठा छे, वडलाने खबर पड़ी आग लागी छे एटले वडलाए पंखीने कीधुं, पंखीओ तमे उडी जाओ, आ आग लागी छे. वडलो कहे छे वनराई सळगी, उडी जावो पंखी पांखोवाळा तमे, उड़ी जाओ पंखी पाखो वाला. वडलो पंखी ने कहे छे तमे उड़ी जाओ जल्दी, तमारे तो पाखो छे, मारे पाखो नथी, हूँ कई रीते उडू? आ अग्निनी ज्वाला मने भस्मीभूत करी देशे, तमे बळी जाशो. त्यारे पंखीडाओए जवाब आप्यो. वडलाने कहे छे, हे वडला, तारा उपर अमे माळा बांधो, तारे आश्रय अमे रिया, बच्चा मूक्या, ए मोटा थिया, अमे तारा फळ खाधा, अने आ समये अमे उडी जाईए तो अमारा मोढा काळा मशवाळा थाय. ए तो भेळा मरशुं, भेळा बळशुं, अमे नहीं उडीए. दाह जले डुंगर जले, जले सब वनराय, हम जले तुम कां जलो, हमारे पाख नाय. त्यारे महाराज कहे छे मुक्तानंद स्वामी ने, स्वामी अत्यारे दादा खाचरने आपणे मदद करवी जोईए, एने बदले आपतकाळ आव्यो त्यारे आपणे भागी जाईए ए सारुं न कहेवाय. माटे तमे रियो, अमे रहीए, अने दादा खाचर आपणे बधाय साथे हाँ भेगा रहेशुं. अने संतो आ बहु सरस महाराजनो निर्णय छे, जो समजवा जेवो छे. गृहस्थय पण समजवा जेवो छे, जे परिवारमां रहे छे, समूहमां रहे छे, ए गृहस्थ होय के संत होय, बधाए शीखवा जेवो उपदेश. शुं आपणे त्यां अने विदेशोमां फरक आटलो छे? शुं विदेशोमां दुःख आवे ने, एना पतिने दुख आवे तो पति ज भोगवे, एनी पत्नी ना भोगवे. त्यारे आपणे दुख आवे ने आखा परिवारमां वेचाई जाय. हाँ किलो एक दुख आव्यो होय तो 10 जणा होय तो 100 ग्राम आवे. समजाय छे ने? अहींया दुख वेचाई जाय, भागे पडतो हाव लई લે. हाँ एना दुखमां सहभागी बने छे. जरे विदेश में एवं नहीं ने. हाँ एटले आपणे अहीं तमे जो भारत छे भाई, आ तो देश ऋषिमुनिओनो देश छे. अत्यारे केटला बधा संस्थाओ सेवाभावी सेवाओ करे छे. जो आपतकाळ आव्यो छे, हे पोताना घरमांथी अनाज बीजाने जमाड़े छे, आपे छे, कीटो बनावे छे, खीचड़ी जमाड़े छे.